फांसी की सजा। दोस्तों, यह एक ऐसी सजा है जो बड़े से बड़े मुजरिम को डरा कर रख देती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी सजा है जो सबसे आखिरी सजा मानी जाती है। इसके बाद कोई भी फैसला कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुजरिम के कान में जल्लाद फांसी से पहले क्या बोलता है, और दोस्तों आपको यह भी बताएंगे कि जज फैसला करने के बाद पेन की नोक को क्यों तोड़ देता है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जल्लाद फांसी देने से ठीक पहले मुजरिम के कान में कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद अगर मुजरिम हिंदू है तो उसे जल्लाद राम राम कहता है, यदि मुजरिम मुस्लिम है तो उसे आखिरी दफ़ा सलाम कहता है। तो दोस्तों, यही वो आखिरी शब्द होते हैं जो जल्लाद मुजरिम के कान में कहता है। अब दोस्तों रही बात कि फैसला सुनाने के बाद जज पेन की नोक को क्यों तोड़ देते हैं। तो दोस्तों, जज ऐसा इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में वैसा काम कोई और ना करे। दोस्तों, वह इसलिए करते हैं ऐसा कि उस पेन से किसी और की सजाए मौत ना लिखी हो, क्योंकि दोस्तों फांसी की सजा बहुत बड़ी सजा होती है। दोस्तों, इसका एक मतलब यह भी निकल के आता है कि फांसी की सजा सुनाने के बाद कोई उस फैसले को बदल नहीं सकता, इसलिए पेन की नोक तोड़ दी जाती है। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।